हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर अभिषेक शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं अभी परवले चैप्टर के बारे में आपके सामने वीडियो ले आ रहा हूं। इसका पहला और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट मैंने अभी तक इसमें अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं परवलय के सेकेंड टाइप, यानी अगर परवलय का प्रश्न ऐसा आ जाए कि परवलय का समीकरण ज्ञात करना हो जब उसका दिया हो नाभि और नियता, यानी नाभि के निर्देशांक आपके सामने दिए गए हो और साथ ही साथ क्या दिया गया हो, उसकी नियता दे रखी हो, नियता का समीकरण, तब हम कैसे परवलय के समीकरण को फाइंड करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखिए एक प्रश्न है, परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 6,0 है और नियता दे रखा है x बराबर -6। तो चलिए यहां देखते हैं, सर्वप्रथम यहां आप क्या देख रहे हैं, यहां पर जो नाभि दे रखा है, नाभि यानी नाभि दे रखा है 6,0, यानी नाभि का अगर हम यहां भुज देखें तो भुज क्या है, धनात्मक है, और यहां पर क्या है, भुज 6 है और जो इसकी कोटि है वो 0 है। तो इसका मतलब ये आपको ना भी देखने से पता चल रहा है कि ये परवलय के पहले रूप जैसा है, यानी यक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा में है, जिसका निर्देशांक आपको मैंने क्या बताया था, 1,0। तो यहां ना भी 6,0, ना भी का निर्देशांक क्या है, 6,0 है, अतः यह परवलय यक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा, धनात्मक दिशा में होगा, यह हमें नाभि देखकर पता चल गया, ठीक है। और देखिए नियता का जो समीकरण है वो भी दिया है x बराबर -6, तो आप सभी को पता होगा अगर नियता कहाँ रहता है, यहाँ पीछे रहता है, तो यानी जितना डिस्टेंस, तो यानी x बराबर -a होता है, तो यहां से भी a की वैल्यू 6 आ रही है। अब अगर परवलय यक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा में रहता है तो उसका मैंने आपको मानक समीकरण क्या बताया था, उसका मानक समीकरण होता है, तब परवलय का समीकरण क्या होगा, परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax, क्लियर है। यहां a बराबर आपको ऊपर दिख गया है, a बराबर क्या है, a बराबर आपका है 6, अतः समीकरण क्या होगा, समीकरण एक में a की वैल्यू रख दीजिए तो वाई स्क्वायर बराबर 4 × 6 इंटू यक्स, 4 में 6 का गुणा होगा तो 24 आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24 यक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी आपको नाभि दिया था, नियता दिया था, नाभि में आपने देखा कि इसका भुज है 6, कोटि है 0, तो आपको चारों रूप मैंने बता रखा है अपने पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट परवलय का क्लियर रहे, चारों स्थितियां मैंने बता दी हैं, यानी परवलय के हर उसका मुख जिधर रहेगा उसकी सारी स्थितियों को लेकर मैंने वहां पर आपको इक्वेशन, उसके नाभ, नियता और अक्ष, सारी चीजें बता रखा है। तो आप ये इस सवाल के रूप को देखिए और इस पर भी आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देखिएगा। मैं आपको कुछ प्रश्न दे देता हूं, जैसे अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए, ना भी है जैसे 0,-3, एक प्रश्न नोट करिएगा, परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी ना भी है 0,-3 और उसके नियता, नियता का समीकरण आपको दे रखा है वाई बराबर प्लस 3, नियता क्या दे रखा है, वाई बराबर प्लस 3, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहां आप देखिए, यहां आपकी भुज 0 है, कोटि -3 है, तो अब आप अंदाजा लगाइए कि ये परवलय कैसा होगा, ये परवलय ऐसा होगा, ठीक है, रूप के अनुसार, यानी यहां a बराबर कितना आ रहा है, देखिए a बराबर आप कंपेयर करेंगे तो यानी 0,-a होता है इस वाले रूप के लिए नाम, 0,-a होता है, यानी a बराबर आपको 3 दिख रहा है चिन्ह को ध्यान में रखते हुए, -a बराबर -3, तो a बराबर 3 दिख रहा है। तो आप इस रूप के इक्वेशन को फॉलो करेंगे, इस रूप का इक्वेशन आपने क्या पढ़ा है, आप पहले वीडियो में देखेंगे तो x स्क्वायर बराबर -4ay, यानी इस इक्वेशन का प्रयोग करके आपको हल कर लेना है।
आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने इस न्यूमेरिकल को कई एग्जाम्पल खुद से सेट करके बनाइए और हल कीजिए। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।